नमस्कार। कोरोना काल में उपचुनाव की चिंता के बीच कांग्रेस की चिंता और बढ़ने वाली है। कभी हाथी की सवारी करने वाला हाथ अब हाथी के कारण संकट में पड़ता नजर आ रहा है। इन सब से कमल की राह थोड़ी और आसान होती नजर आ रही है। दरअसल उपचुनाव वाली ज़्यादातर सीटों पर इस बार मायावती की पार्टी BSP ताल ठोकने की तैयारी में है। ग्वालियर चंबल संभाग में BSP का अच्छा खासा वर्चस्व है। BSP उम्मीदवारों से नुकसान कांग्रेस को ही होगा और चर्चा है कि राजस्थान में अपने विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने से मायावती नाराज हैं। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में चले सियासी घटनाक्रम के बीच मायावती ने जिस प्रकार के तेवर दिखाए हैं, उससे लगता है कि मायावती कांग्रेस से राजस्थान का बदला MP में लेंगी। MP में 27 सीटों पर उपचुनाव हैं। BSP के पहले से ही MP में दो विधायक हैं। पथरिया से विधायक रामबाई को पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान देने के लिए मायावती ने निलंबित कर दिया था। 27 में से 16 सीटों पर BSP के ठीक ठाक वोट हैं। ये सीटें मायावती के लिए एक उम्मीद की किरण हैं। यहां उम्मीदवार उतार कर वह कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ग्वालियर चंबल के 16 में से 10 सीटों पर कभी न कभी BSP चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। BJP और कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव निर्णायक है, तो BSP इसके जरिए उन इलाकों में फिर से जनाधार वापस पाने की तैयारी में है। पिछले 15 सालों से ग्वालियर चंबल संभाग की कई सीटों पर BSP के उम्मीदवार रेस में रहे हैं, साथ ही उनका वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा है। दरअसल 1993 में ग्वालियर चंबल संभाग के महगांव और डबरा सीट पर BSP का कब्जा था। 1998 में सुमावली, भांडेर और अशोकनगर सीट पर भी BSP का कब्जा रहा। 2003 में करेरा, 2008 में ज्वारा और मुरैना सीट पर BSP का कब्जा रहा और 2013 में दिमनी अम्बाह सीट पर BSP ने कब्जा जमाया। वहीं 2018 में इस इलाके में BSP का खाता नहीं खुल पाया था। प्रदेश में 2013 के बाद से इन इलाकों में BSP का ग्राफ गिरने लगा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में BSP 227 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को पूरे प्रदेश में 6.4% वोट मिले थे। वहीं ग्वालियर चंबल में भी अभी जिन 16 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें से 3 सीटों पर BSP को 36-44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर 20% के करीब वोट थे। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का ग्राफ इस इलाके में गिर गया। 36-44% वोट शेयर वाले सीटों पर BSP 20% पर सिमट गई थी, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। अभी जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है, वह कांग्रेस के कब्जे में ही थी। ऐसे में BSP अगर पूरे दमखम के साथ इन सीटों पर उतरती है, तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल में 16 सीट खाली हुई हैं। उसमें मुंगावली, अशोकनगर, बामोरी, पहरी, करेरा, भांडेर, डबरा, जौरा, दिमनी, गौहद, ग्वालियर शहर, ग्वालियर पूर्व, मुरैना, अम्बाहा, महगांव और सुमावली सीट शामिल हैं। BSP के एक नेता ने कहा है कि हम इन सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी अगर चाहें तो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अगर ग्वालियर चंबल में वो अपने उतारना चाहती तो वो उतार सकती हैं। स्वतंत्र दल है, कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को लेके लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ती रहेगी। दलित आदिवासी वर्ग इस बात को समझता है, जानता है। जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही उनकी हमेशा लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी का ने ही संविधान देश का बनाया, और जब बना था तो उस तबके के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये सभी बातें लोग जानते हैं। और अगर मायावती जी जो लोग मनुवादी शक्तियों को अगर ताकत देना चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि मनुवादी शक्तियाँ मध्य प्रदेश में जीत जाएं, तो वो ये काम कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का व्यवहार अच्छा नहीं है।
इसका सबसे जीता जागता उदाहरण कांग्रेस है, जहां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। कांग्रेस तो बहुजन समाज पार्टी के खात्मे के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, प्रार्थना भी कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि दमोह की जो बीएसपी की महिला विधायक हैं, उन्होंने पार्टी से नोटिस प्राप्त करना तो मंजूर कर लिया, पर कांग्रेस के साथ खड़ा होना मंजूर नहीं किया। ये सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में तल्खी बढ़ गई है, और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में यदि चुनाव लड़ेगी जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा घाटा कांग्रेस को होगा। और पहले आम चुनाव जब विधानसभा का हुआ था, तब भी कमलनाथ जी ने तमाम प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि बीएसपी सुप्रीमो से हमारी ये बात हो गई है, वो बात हो गई है, जबकि जो लोग साथ गए उन्होंने पोल खोल दी कि ठीक से बात भी नहीं की, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो भुगतना पड़ेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। राम मंदिर शिलान्यास को बीजेपी इस उपचुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। भूमि पूजन के दिन प्रदेश में कांग्रेस भी राममय थी। पूर्व सीएम कमलनाथ राम मंदिर निर्माण का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। दिग्विजय सिंह के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस विचारधारा से भटक रही है, इससे वोट नहीं बढ़ेगा, उपचुनाव में इसका पार्टी को नुकसान होगा और फायदा बीएसपी को हो जाएगा। वहीं बीएसपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इन सब के बीच कमलनाथ और उनके समर्थकों के उन दावों का क्या, जिसमें एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनाने का सपना देखा गया था। हालांकि पहले तो ये कहा गया था कि कमलनाथ 15 अगस्त 2020 को बतौर मुख्यमंत्री लाल परेड पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उपचुनाव की घोषणा ही नहीं हो पाई, लिहाजा अब वे 14 अगस्त की शाम प्रदेश की जनता के नाम संबोधन देंगे। यानी वो उस बनिए की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो खाली समय में बाट तराजू तोलता रहता है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, भारतीय संस्कृति में तीनों बड़े शुभ प्रतीक माने जाते हैं, हाथ हो, हाथी और कमल हो, लेकिन यह एक दूसरे के लिए एक कोई शुभ साबित होगा और एक किसी के लिए अशुभ साबित होगा। पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बसपा के आने के बाद जब हाथी की एंट्री हो गई है फिर से उपचुनावों में, तब क्या सीन बनता देख रहे हैं आप प्रदेश की राजनीति का? देखिए, खासकर मनोज, जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है जहाँ पर 16 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पर हाथी अपने वजन के अनुसार है। निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी जितना ताकतवर नहीं है और कांग्रेस के हाथ के पंजे जितना भी ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी वहाँ पर वजनदार है। और भारतीय खास करके कांग्रेस ने पिछले एक महीने में कुछ ऐसी गलतियाँ की है कि मुझे लगता है कि उसका कोई अगर असर होगा तो वो वहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा वोटर नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो कांग्रेस के वोटर हो सकते थे, वो शिफ्ट हो सकते हैं बीएसपी की तरफ। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बीएसपी की मौजूदगी ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं उन पे बहुत असरदार साबित होगी। खाब मालवा या बुंदेलखंड या जो विंध्य का जो क्षेत्र है जहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है वहाँ बीएसपी का इतना असर नहीं है। खास करके विंध्य में तो असर है, लेकिन जो शहडोल की जिस सीट पर चुनाव होना है, अनूपपुर में, आदिवासी, हाँ, वहाँ पर उसका इतना असर नहीं है। या फिर मालवा के अंदर, मालवा में बहुत सामान्य सा उसका प्रदर्शन रहा है। बुंदेलखंड में भी जो सागर क्षेत्र है उसमें भी कोई उसका बहुत ज़्यादा ऐसा दमदार प्रदर्शन कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो दोनों उत्तरी हिस्से हैं, विंध्य का रीवा वाला हिस्सा और ये ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, इन दोनों क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी असरदार है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में, खास करके अब निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कांग्रेस से किसी तरह का वो होगा, क्योंकि मायावती के दिमाग में राजस्थान तो निश्चित तौर पे है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भविष्य के चुनाव भी हैं, तो वो जो कि 2 साल बाद होने हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये चुनाव में बीएसपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। उसका कोई खामियाजा अगर होगा तो मुझे लगता है दोनों दलों को हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को ज़्यादा होगा। प्रभु जी, हाथी तो निकल पड़ा है, लेकिन अंकुश किसके हाथ में रहेगा? क्योंकि महावत तो उसमें एक ही है, मायावती, लेकिन अंकुश वो समय के हिसाब से बदलती रहती, कभी कोई हो जाता है कभी कोई हो जाता है। तो इस बार लग रहा है कि जो कमलनाथ पहले कह रहे थे या जिस खतरे की ओर आगाह लक्ष्मण सिंह कर रहे थे, उनमें से क्या होता लग रहा है आपको? देखिए मनोज जी, जो लक्ष्मण सिंह आगाह कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा करीब हैं,
क्योंकि कमलनाथ का मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में उतना ज़्यादा दखल नहीं है, उतना जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है जितना कि दूसरे नेता को देखें। और खासकर लक्ष्मण सिंह की बात करें तो उसी उत्तरी क्षेत्र से आते हैं जहां की बात हो रही है, जहां पर कि बसपा ज़्यादा असर करती हुई दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो स्वाभाविक तौर पर बसपा यदि मैदान में है तो त्रिकोणीय चुनाव होगा, और त्रिकोणीय चुनाव में यदि हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें आज की, तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होते हुए ज़्यादा दिखता है। हो सकता है कुछ सीटें, एक दो सीटों पर जहाँ पर कांग्रेस की संभावना, वहाँ बसपा का कैंडिडेट जीत कर सामने आ जाए, लेकिन ओवरऑल यदि प्रॉफिट में कोई पार्टी जाती हुई दिखाई देगी तो भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिखाई देगी। और यहाँ नुकसान कांग्रेस को होगा क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक कटेगा, जैसे भटनागर जी कह रहे हैं। नुकसान बसपा का जो वोटर है वो शिफ्ट यदि होता है तो कांग्रेस में होता है, भाजपा की तरफ कम जाता है वो, बिल्कुल कमिटेड वोट बैंक है उनका एक अपना। और ये पहली बार हो रहा है, बसपा आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती है, घोषणा करती रही कि उपचुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की उपचुनाव उपचुनाव जैसे नहीं है, मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति है। बिल्कुल, और इसका असर जो होगा परिणाम वो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर कोई ना कोई गुल खिलाएगा, तो वो एक फैक्टर है जिसको देखते हुए मायावती ने ये कदम उठाया है। और हो सकता है कि मायावती, कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है, जैसे राजस्थान में ही देख लें कि उनके जो 6 विधायक कांग्रेस के समर्थन में चले गए उनको लेकर मायावती ने व्हिप जारी कर दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है, उनके जो निर्णय हैं या जो नीतियां वो ले रही हैं। तो यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की यदि परिस्थितियों में देखें तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिखता है। जी प्रकाश जी, पिछले चुनाव में हमने देखा था 2018 में कि जिस प्रकार से जब दलित हिंसा हुई, इसके बाद आरक्षण को लेकर तमाम सारी बातें हुई और पूरे ग्वालियर चंबल में बीजेपी का सफाया हो गया, और ये कहा भी गया कि सिंधिया के कारण, लेकिन एक बड़ा फैक्टर दलित हिंसा और तमाम सारे आंदोलन रहे हैं। उस समय यह था कि दलित वोट बैंक जो ऐसा लगा था, इस चुनाव के जो नतीजे आए थे कि कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो कमोबेश वो बसपा का जो कमिटेड वोट बैंक था जिसकी आप बात कर रहे थे या प्रभु जी भी, वो कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया था और बीजेपी को नुकसान हुआ था। अब ऐसी स्थिति में कि जब कांग्रेस भाजपा की राह पर हिंदुत्व के मामले में, तो ऐसी स्थिति में मायावती अगर दमदारी से लड़ती है तो आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस का भी जो दलित वोट बैंक है, जाटों को छोड़ के जो बसपा के साथ रहा है हमेशा, वो कांग्रेस को छोड़कर बसपा के साथ जा सकता है? देखिए मनोज, दो बातें हैं। पहली बात हम मायावती की करेंगे तो मायावती के जेहन में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और वो एक प्रयोग कर सकती कांग्रेस की गलतियों के कारण मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अल्पसंख्यक वोट है जिसके कांग्रेस से छिटकने का खतरा है, क्योंकि कांग्रेस भी उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी है, पहले से है, और ज़्यादा भरोसेमंद है उन लोगों के लिए जो हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को या अपने राजनीतिक दल को चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो ये निश्चित तौर पे देखेगा कि यदि कहीं बीएसपी का उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आएगा, दमदार होगा, तो वो वहाँ शिफ्ट होता है या नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मायावती की इस पर नज़र रहेगी कि मध्य प्रदेश में क्या होता है, और उसी आधार पे फिर वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोशिश करेंगे। हम गौर करेंगे कि राम मंदिर वाले पूरे एपिसोड में मायावती ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है। सभी राजनीतिक दलों ने राम मंदिर के समर्थन में बोला, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी बोले, ममता बनर्जी जैसी नेता भी बोली, लेकिन मायावती ने कोई कमेंट नहीं किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार जो आंदोलन वाली बात थी, तो अब वो 2 साल का अरसा हो गया है, वो मामला पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और उस समय स्वर्ण भी बीजेपी से कई जगह नाराज थे। बिल्कुल, जो माइका लाल वाला जो शिवराज सिंह चौहान का भाषण था वो बड़ा चर्चा में आया था, उसके कई सारे वीडियो क्लिपिंग्स उस चुनाव में लोगों को याद दिला रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ दोहरा नुकसान हुआ था, दलितों वाला नुकसान तो हुआ ही हुआ था, स्वर्ण जो उसका परंपरागत समर्थक वोटर था वो भी उससे उस कारण से छिटका था। कुछ एंटी इनकम्बेंसी लोकल MLAs के बारे में थी, कुछ बीजेपी की बगावत थी, तो ये सारे फैक्टर थे जिसके कारण बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। प्रभु जी, कांग्रेस के साथ एक बड़ा संकट और भी है ग्वालियर चंबल में कि सिंधिया के बाद कोई चेहरा नहीं है, और खासतौर से अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है जिसकी ऐसी अपील हो जो कि वोट कवाड़ सके। फूल सिंह बरैया एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो खुद भी चुनाव लड़ने वाले हैं। सुरेंद्र चौधरी को कांग्रेस ने एक तरह से तैयार करने की कोशिश की थी, उनके लिए कहा गया था कि वो चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेसियों ने उनको ही चुनाव हरा दिया। तो अब वो कौन चेहरा होगा, क्योंकि कमलनाथ को आपको लगता है कि दलितों में या किसी एक पूरे जो ग्वालियर चंबल संभाग है वहाँ उनकी ऐसी कोई साख या पेट होगी कि वो दलित वोट बैंक को आकर्षित कर सके? मनोज जी, जो आपने नाम लिया फूल सिंह बरैया का, फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जो मध्य प्रदेश में बसपा का चेहरा रहे हैं,
एक दौर में जब बसपा सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही थी, उस दौर में वो प्रदेश कांग्रेस बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और बड़ी रैली उन्होंने भोपाल में की थी और एक अपनी ताकत दिखाई थी, जो जितनी बड़ी रैली कहते हैं आज तक किसी और दल ने नहीं की, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ उल्टा गिनती भी शुरू हो गई थी। तो वो एक फैक्टर है जिसको कमलनाथ जी ने एक ट्रंप कार्ड की तरह यूज़ किया, जिनका नाम राज्यसभा चुनाव में रखा गया चौथी सीट के लिए, तीसरी सीट के लिए चौथा जो नाम था, लेकिन वो दिग्विजय सिंह जी को जब वोट दिए कांग्रेसियों ने, वो बरिया वहाँ पर हार गए। हो सकता है उस समय कमिटमेंट उनसे कर लिया गया हो कि आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में, तो एक तरीके से उनको कांग्रेस के कलेवर में रंगने का एक जो खेल था बरिया को, अब बरिया को ही आगे कर कर कांग्रेस खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ पर कि उनको संभावना दिखती है बसपा के आने से, यदि वोट कटने की कोई संभावना है तो वहाँ पर बरैया को आगे रखेंगे, क्योंकि बरैया का अपना एक कार्य क्षेत्र रहा है, लंबे समय से वहाँ कार्य करते रहे और बसपा में रहे, बसपा के बाहर जो अपना दल बनाकर जब वो खुद आए मैदान में तब भी वहाँ रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, वो अब कांग्रेस में, लेकिन उनका जो अपना एक समर्थक वर्ग है वो जरूर है बसपा, वो जो बरैया दौरे बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों से जीवन संपर्क उनका उस क्षेत्र में कई जगह माना जाता है, तो वो एक फायदा कांग्रेस को उम्मीद है कि मिले वहाँ पर, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो, जैसा मैंने पहले कहा कि त्रिकोणीय चुनाव जब होते हैं जी, और जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछले चुनाव में कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो चुनाव जीते हुए थे, और उसके बाद उनके साथ जो उनके समर्थक जो टीम है उनकी वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गई है ज़्यादातर जगह, तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म नीचे पूरी तरह खाली है, नए लोगों के दम पर उनको चुनाव मैदान में उतरना है, नए तरीके से उनको रणनीतियां बनाना है, इसमें बरिया अकेले कितना कमाल कर सकते हैं ये नतीजे बताएंगे उस समय। लेकिन एक सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा कि अगर आप इतनी चिंता है या आप पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं तो, और कांग्रेस को दलितों की इतनी चिंता है, तो फिर दिग्विजय सिंह की जगह पहली प्रायोरिटी में बरिया को क्यों नहीं रखा गया, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, और दलित समुदाय इसको लेकर खासा उस समय उद्वेलित भी था, एक बकायदा कांग्रेस के अंदर ही एक नारा बुलंद हो रहा था कि दिग्विजय सिंह को हराओ बरैया को राज्यसभा पहुंचाओ, लेकिन कांग्रेस का जो अंदरूनी समीकरण है जो भी मध्य प्रदेश की कांग्रेस के हैं उस समीकरण में दिग्विजय सिंह के पक्ष में ज़्यादा जाते हुए दिखाई दिए और बरैया को उस समय पराजय का मुँह देखना पड़ा था, तो वो पूरे गणित वहाँ पर भी है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी चुनाव में कैश कराने की कोशिश करेगी कि बरैया को राज्यसभा चुनाव केवल हारने के लिए कांग्रेस ने लड़ाया था, अब फिर वो फेस सेविंग के लिए इनको विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, एक राज्यसभा में जाना, उच्च सदन में पहुंचना और मध्य प्रदेश की एक विधायक बनकर रहना, वो विपक्षी दल का, दोनों में जो अंतर है, जो ताकत का अंतर है दोनों में, वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रेखांकित कर सकती है। बिल्कुल, बसपा के इस समीकरण को समझेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल एडिटर है ललित उपमन्यु, उनकी क्या कुछ राय इस पूरे मसले पर, पहले उसको सुन लेते हैं। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस को मुझे लग रहा दोहरा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक तो उन्होंने जो चोला बदला है उससे उनका जो परंपरागत अल्पसंख्यक वोट था वो पूरी तरह नहीं सही, लेकिन किसी स्तर तक नाराज है और कांग्रेस के इस बदले हुए रूप से वो खुश भी नहीं है। तो एक तो वो वोट बैंक, और दूसरा बसपा जिसने चुनाव में उतरने की घोषणा करके इस मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है, एक बसपा का वोट बैंक, ये दोनों वोट बसपा को ही शिफ्ट होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है अल्पसंख्यक का या और भी पिछड़ा, तो वो जब भी अगर कांग्रेस से नाराज होता है तो वो बीजेपी में नहीं जाता है, वो एक ऑप्शन, एक विकल्प तलाशता है कि अगर बीजेपी नहीं, हमें कांग्रेस को देना नहीं है वोट क्योंकि हम नाराज हैं, लेकिन बीजेपी सामने है तो कांग्रेस बच जाती है, लेकिन जरा भी ऑप्शन कहीं अगर इस वोट बैंक को मिल जाता है तो वो तुरंत स्विच हो जाता है। और इसका उदाहरण आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जब कांग्रेस का वोटर नाराज हुआ और वो बीजेपी में शिफ्ट होना नहीं चाहता था, या उसने ये देख लिया था कि दिल्ली में कांग्रेस बहुत कमजोर है, जीत नहीं रही है, तो ऐसा ना हो कि हमारा वोट बेकार हो जाए और मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए, तो पूरा के पूरा वोट बैंक कांग्रेस का आप में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उनके पास बीजेपी के खिलाफ एक और ऑप्शन था, प्लान बी था। और कमोबेश यही स्थिति इस उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में होने वाली है कि कांग्रेस से जो नाराज वोट है या जो कांग्रेस को मिल गया था वोट बीएसपी का भी थोड़ा बहुत पिछले मेन चुनाव में, उनके पास अब एक ऑप्शन वापस आ जाएगा बीएसपी के रूप में। तो बीएसपी का वोट आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि बीएसपी जब भी किसी पार्टी से समझौता करती है या बीएसपी किसी के साथ टाई अप करके चुनाव लड़ती है तो बीएसपी का वोट तो उन्हीं के पास रह जाता है, वो किसी और पार्टी में शिफ्ट नहीं होता और दूसरी पार्टी का वोट बीएसपी ले जाती है। तो जब खुद बहुजन समाज पार्टी मैदान में होगी तो मुझे नहीं लगता कि अब कांग्रेस उनका कोई वोट खींच पाएगी, बल्कि अपने जो परंपरागत वोट है अल्पसंख्यक वर्ग के वो ही बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, और इसका फायदा सीधा सीधा मुझे फिलहाल तो बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है।
तो बिल्कुल जो आप प्रभु जी प्रकाश जी आप भी कह रहे थे कि जो बीजेपी को फायदा हो रहा है बसपा की मौजूदगी से, तो प्रकाश जी जिस प्रकार से हम देखें कि सिंधिया एक बड़े नेता हैं ग्वालियर चंबल के, बीजेपी का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस ने अभी तक वहाँ कोई सक्रियता शुरू की नहीं ग्वालियर चंबल में। 13 तारीख को वो निकलने वाले थे बस से दतिया से, लेकिन कोरोना के चक्कर में या जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है इसके कारण वो यात्रा निकली नहीं। कमलनाथ एक बार बदनावर होकर आ गए, अब सिंधिया मालवा में वापस सक्रिय हो गए, हालांकि संख्या वहाँ कम है सीटों की, लेकिन सिंधिया वहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद वो बीजेपी के नेताओं के यहाँ से शुरुआत करें, पहले मोहन यादव के यहाँ जाएंगे उज्जैन में, फिर उषा ठाकुर के यहाँ जाएंगे, वो शंकर ललवानी के यहाँ जाएंगे, तो सिंधिया अपने आप को पूरा चेंज कर रहे हैं। कमलनाथ के हाव भाव तेवरों में वही के वही है जिनके जिन कारणों से सरकार गई है। तो जब जनता के बीच चुनाव में जब जाएंगे तो इसको लेकर भी चर्चा होगी, इसको लेकर भी मतदाता सोचेगा विचार करेगा वोट डालने के पहले। लेकिन निश्चित तौर पर सिंधिया के रिश्ते बदल रहे हैं मनोज, तो जैसा आप कह रहे हो तो बदलते रिश्तों में हम उनके नए साथी हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो भी बीजेपी के प्रमुख लोग हैं उनके आना जाना करेंगे। सिंधिया की स्वीकार्यता को लेकर बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा संशय नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि चूंकि उनका परिवार का बड़ा हिस्सा पहले भी बीजेपी में रहा है और बड़े सम्मानी तरीके से सिंधिया घराना बीजेपी में रहा है, तो निश्चित तौर पे सिंधिया की जो स्वीकार्यता है भारतीय जनता पार्टी में उसमें कहीं कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि मालवा के कुछ हिस्सों में भी सिंधिया राजघराने का असर है और ग्वालियर चंबल संभाग में तो सिंधिया को पता है कि वहाँ उनका अपना असर है, यानी सिंधिया राजघराने का असर है, प्लस भारतीय जनता पार्टी का असर है। फिर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा, एक चेहरा बीजेपी के पास ऑलरेडी है शिवराज सिंह चौहान के तौर पे, दूसरा चेहरा ये हो जाएगा। इसके अलावा आप गौर करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग में तो वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया जैसे, विष्णुदत्त शर्मा जैसे नेता उस क्षेत्र में है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत मजबूत है। मालवा में इसका मतलब ये नहीं कि मालवा में कमजोर है, वहाँ वो पहले से मजबूत है। तो मुझे लगता है कि सिंधिया के आने से जो समीकरण बदलेंगे उसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यक्त भी करते हैं बातचीत में कि वो ये जो चुनाव हो रहे हैं इनमें बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। जी प्रभु जी, एक सवाल कि हमने देखा कि जो बसपा सपा पहले सत्ता के साथ गए, निर्दलीय भी, कमलनाथ की सरकार बनी, समर्थन की बात हो गई, भाजपा जब सरकार बनाई भाजपा ने दोबारा, वो बीजेपी के साथ खड़े आ गए, तो जब वोटर वोट डालने जाएगा तब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो निकलेगी कि अगर कांग्रेस विकल्प नहीं और बीजेपी कंटिन्यू कर रही है, चुनाव जीत रही है या स्थितियां बन रही है, तो वो अगर वो वोटर जो बसपा का होगा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार तो ये आएगा सही कि अगर हम बसपा को वोट डालेंगे हो सकता है वो बाद में बीजेपी के साथ खड़ा नजर आए या कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आए, तो हो सकता है कि उनका कोर वोटर जो है वो उदासीन हो जाए। इसका जो इसके बाद जो स्थितियाँ बनेगी वो किस प्रकार की बनती है आपको लगती है? बिल्कुल मनोज जी, एक ये बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि एक हम आजकल सोशल मीडिया के दौर में हैं, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो दूसरों के विचारों को सुन रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है और निर्णय ले रहा है जी। तो और सबसे बड़ी बात ये, जब उपचुनाव होने जा रहे हैं तो उपचुनाव का एक तासीर होती है कि वो हमेशा सत्ताधारी दल की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अब चूंकि इतने बड़ी तादाद में उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में कि कुछ सीटें इधर उधर हो सकती है, लेकिन बहुतायत यदि हम देखें तो बहुतायत में जो है नतीजे सत्ताधारी दल की तरफ ही जाएंगे, जो परंपरागत तौर पर होता रहा है। और जो वोट फ्लोटिंग वोट होता है, जो नया युवा वोट है या जो नाराज हैं लोग अपने पार्टी से या अपने नेताओं से, वो वोट जरूर उस तरफ जा सकते हैं जिनको जीतता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसको अपने काम कराने हैं, उनके साथ यदि खड़ा होना है उसको, तो वो भविष्य की आगे की उसकी अपनी दिशा तय करता है वो वहाँ पर, कि आने वाले चुनाव के बाद जो सिनेरियो बनेगा उसमें उसको यदि अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाना है तो कम से कम विधायक के साथ तो खड़ा दिखाई दे। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो फ्लोटिंग वोट होता है वो जाएगा। और बसपा के साथ भी अभी वो पहले वाली स्थिति नहीं रही है, पहले बसपा के जो वोटर होते थे वो आमतौर पर मजदूर वर्ग के होते थे, किसान गरीब परिवार होते थे, जो कहीं ना कहीं कमिटेड रहते थे, ज़्यादा उनको जानकारी होती नहीं थी, उन्हें केवल मायावती के भाषण सुने, उन्हें केवल कांसीराम को सुना, उन्हें केवल दलितों की बात सुनी, उन्हें केवल सवर्णों के खिलाफ बातें सुनी, तो इसलिए वो एक जगह इकट्ठे होते थे। कई चेहरे ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिन पर कोई दलित अत्याचार नहीं हुआ हो, जो एट्रोसिटी के शिकार नहीं हुए हों, लेकिन उनने चूंकि सुना हुआ है सुना हुआ तो उसको एक कारण वो जाते थे। लेकिन अब चूंकि बदलाव आ गया है, समाज बदल रहा है, तो ये एक परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। प्रकाश जी, एक फाइनल टिप्पणी आपकी कि क्या वाकई जो समाज बदल रहा है उसका नतीजा, उसका असर इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा इन सारे घटनाक्रमों के बीच? देखिए, बीएसपी के संदर्भ में मनोज एक बात याद रखें कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी 98 उसका सर्वाधिक श्रेष्ठ दौर था,
उसके बाद वो कभी उतनी सीटें फिर कभी दोबारा मध्य प्रदेश में नहीं जीत पाई जो उसने अविभाजित मध्य प्रदेश में जीती थी। लेकिन 6% वोट उसका बिल्कुल स्थिर है, वो 6% खराब से खराब स्थिति में भी उसको 5.5-6% वोट मिलता रहा, जो 7 था वो 6 हो गया, लेकिन 6% वोट बना हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन 20% वोट उसको वहाँ पर मिल रहा है। तो एक निश्चित तौर पे एक प्रतिबद्ध, चूंकि वो जातिगत राजनीति करती है तो उस जाट समाज का वोट मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, वो हर जगह है। लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को पता है कि वो नहीं जीतने वाले कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वो वोट फिर भी बीएसपी के खाते में जाता है। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें जो है कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है कि बीएसपी का वोट तो बीएसपी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कांग्रेस से नाराज है, खास करके जो अल्पसंख्यक है, जितनी भी तादाद है उनकी जिस विधानसभा क्षेत्र में, वो यदि थोड़ा भी कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं, तो वो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर नुकसानदायक होंगे। दूसरी बात, कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संकट तो अभी उम्मीदवारों का है, तो एक बड़ा संकट ये, तो कई सारे संकट कांग्रेस के इर्द गिर्द दिख रहे हैं। इसलिए बहुत कहना मतलब एक निष्कर्ष अगर निकालेंगे तो चुनाव कठिन जो है वो कांग्रेस के लिए है। बहरहाल एक संकट हमारे साथ भी है, वो समय का है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, प्रभु जी। तो निश्चित तौर पर बसपा की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या रंग लाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जैसा प्रकाश जी ने भी कहा या प्रभु जी ने भी कहा कि 6% उनका जो फिक्स वोट बैंक वो थोड़ा भी दाएं बाएं जाता है, अगर वो छिटकता है तो वो किसको फ़ायदा देगा, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड होता है, जो कि संभावना है कि कांग्रेस का वोटर ही उनके साथ ऐड हो सकता है, तो वो कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान देगा। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बसपा की रणनीतियाँ कभी एकदम साफ होती नहीं है, और जब तक वो मैदान में उतरेंगे नहीं, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो है कि मायावती के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, और फिर मायावती के बारे में सब जानते हैं कि जब वो दोस्ती करती हैं तो दूर तक नहीं करती हैं, लेकिन दुश्मनी करती हैं तो बहुत दूर तक ले जाती हैं। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।